press the bell icon on the YouTube app and never miss an हाँ, ये शादी सुना था कि एक नई जिंदगी की जो है शुरुआत होती है, आगाज होता है. और ऑब्वियसली बात है, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं शादी के बाद उनको सब कुछ क्विट करना पड़ जाता है ना, ससुराल और मायका दोनों देखना बड़ा टफ होता है. लेकिन अगर आपके हस्बैंड कॉम्प्रोमाइजिंग है और वो चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी एफर्ट्स को वो देखते हैं, समझते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि सफ़र और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है. खैर, मैंने 22-23 को शायद मैं कराची से वापस आई थी और उसके बाद मेरी शादी के इवेंट जो है स्टार्ट हो गए थे. और फिर मैं वेट कर रही थी कि पिक्चर्स आए और जो है मैं सबको जो है इन्फॉर्म करूं, क्योंकि बिना पिक्चर के खाली लिख देना वो मज़ा नहीं देता. तो फिर उसके बाद जो है मैंने जब पिक्चर्स सबके साथ शेयर की कम्युनिटी पे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत सी दुआएं मिली और बस एक नई जर्नी का आगाज़ है. और ब्रेक तो खैर इतनी मैंने नहीं ली, हार्डली 12-13 दिन की मैंने. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी लड़कियां रिबाह इमरान और शैला खान का जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पर, जो कि दुनिया के टॉप लीडर्स में जिन्होंने नंबर 1 रैंक हासिल किया है 76% रेटिंग के साथ। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहें। जय हिंद जय भारत। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रिबाहा इनवाइट करने के लिए. और गिला तो अपनों से ही होता है और सही भी है. एक्चुअली पता है, लास्ट टाइम मैं अभी कॉल पे भी शायद मैं यही कह रही थी, तो बस कुछ सपोर्ट की मुझे बड़ी ज़रूरत थी और ये सब खामोश थे, मैंने इस वजह से जो है ना किसी को भी नहीं बुलाया. हाँ, ये शादी सुना था कि एक नई जिंदगी की जो है शुरुआत होती है, आगाज होता है. और ऑब्वियसली बात है, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं शादी के बाद उनको सब कुछ क्विट करना पड़ जाता है ना, ससुराल और मायका दोनों देखना बड़ा टफ होता है. लेकिन अगर आपके हस्बैंड कॉम्प्रोमाइजिंग है और वो चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी एफर्ट्स को वो देखते हैं, समझते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि सफ़र और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है. खैर, मैंने 22-23 को शायद मैं कराची से वापस आई थी और उसके बाद मेरी शादी के इवेंट जो है स्टार्ट हो गए थे. और फिर मैं वेट कर रही थी कि पिक्चर्स आए और जो है मैं सबको जो है इन्फॉर्म करूं, क्योंकि बिना पिक्चर के खाली लिख देना वो मज़ा नहीं देता. तो फिर उसके बाद जो है मैंने जब पिक्चर्स सबके साथ शेयर की कम्युनिटी पे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत सी दुआएं मिली. और बस एक नई जर्नी का आगाज़ है. और ब्रेक तो खैर इतनी मैंने नहीं ली, हार्डली 12-13 दिन की मैंने ब्रेक ली होगी. कुछ वीडियोस मेरे पास और रिकॉर्डिंग थी सीन की, वो अपलोड मैं करती रही. और उसके बाद जो था, बहुत से मेरे व्यूवर्स भी कहते हैं कि शायला आपने हनीमून, बहुत सो को तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा, और बहुत से जो है हमें जो प्यार करते हैं, देखते हैं हमारी यूट्यूब की जो फैमिली है, इनका ये कहना है कि जी आप हनीमून पे कब जा रहे हैं. तो मैंने कहा पाकिस्तान में एक रिवाज है कि नॉर्थन एरिया जाते हैं और वहाँ पर बहुत बर्फबारी है. लेनी मुझे, अब मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव बंदी हूँ. तो मैंने ये जो है अपने हस्बैंड से कहा है कि जब नॉर्मल मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, जब कहते हैं ना मौसम में बहार आ जाएगा, तो वो बेस्ट टाइम है ट्रैवल करने के लिए. लोग आपको शादी से बड़े शौक में भी गए और शौक में जाने के साथ है, क्योंकि आपको पसंद बहुत किया जाता है. जो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरी यूट्यूब फैमिली रिबाहा के चैनल पे मुझे देख रही है,
आपके प्यार मोहब्बतों का ढेर ढेर सारा शुक्रिया। और अभी भी आप देखिए मैं बिल्कुल सजी बैठी हूँ, दावतें इतनी ज्यादा हैं। बस आप शादी करा लो फिर आपका वेट बहुत गेन हो जाएगा। मुझे अभी कहीं से नहीं लग रहा कि आपका वेट गेन हुआ है, और आपका जोड़ा देख के ये लग रहा है ये तो बिल्कुल बात है, न्यूली मैरिड कपल तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और आपके जोड़े को देखकर ये कहने को दिल कर रहा है आज काला जोड़ा पहन के सरप्राइज थैंक यू बहुत तारीफ करने के लिए। से। सही हो गया, वैसे माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी लग रही है, और बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए और आपकी शादीशुदा लाइफ के लिए। थैंक यू सो और मच। अब हम जो है टॉपिक पे आते जी हैं, जी और जरूर। आपको जैसे पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मॉर्निंग कंसल्टेंट की जो रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बस को जो है 76 अप्रूवल रेटिंग दी गई है, टॉप रेटिंग दी गई है, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो ये जो न्यूज़ आती हैं बहुत ज़्यादा एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए सरप्राइजिंग होती हैं कि यार हमारे नेबरिंग कंट्री से इतनी अच्छी अच्छी खबरें आती हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर को कितना प्यार करते हैं, और इंटरनेशनल प्रेस जो है बहुत ज़्यादा लिखने लग गए हैं मोदी जी के बारे में, और इतनी इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी है, ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो मुकाबला है वो अपने मुल्क के लीडर्स के साथ नहीं है, वर्ल्ड लीडर के साथ जो है उनका अब जो है एक कंपटीशन है जो कि बड़ा हेल्दी है, और दुनिया उससे सीख रही है। हमने देखा अभी मुझे इस साल की उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स जो है स्वच्छ भारत जो है वो मुझे उनका बहुत पसंद आया, उसके बाद जो है G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को जिस तरह से उन्होंने जो है शामिल किया, और अपने मुल्क के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो ग्लोबल साउथ का जो लीडर है उसमें एक ही पर्सनालिटी सामने आती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और दुनिया में जो जिसको मोस्टली हम पाकिस्तानी सुपर पावर कहते हैं तो वो जो अमेरिका है ना इस टाइम वो इंडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और अच्छे लीडर्स की मेरी बाहा हर कोई कदर करता है, और जितने भी सर्वे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिलेटेड होते हैं आपको पता है वो हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं, ये उनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत कहते गहरा राज भी है। अब क्यों और कैसे है इसके लिए आप उनकी जर्नी देख लें कि वो कितना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। आपने देखा शायला कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी सॉरी प्रेसिडेंट ने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफें की, और उस पर तो आपने प्रोग्राम भी किया, मैंने आपका प्रोग्राम भी देखा था जो आपने रोड शो किया हुआ था कि जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। देखे यार लीडर जो होता है ना, मैं अक्सर रोड शो पे भी ये कहती हूँ कि लीडर जो है ना अपनी कौम को जो है ना लीड करता है, उसको आगे लेके जाता है, ठीक है, और क्योंकि हमारा कंटेंट मोस्टली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, तो जिस पर्सनैलिटी के बारे में आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, उनके बारे में आप रिसर्च करते हो, उनके बारे में आप जानने की कोशिश करते हो, तो उनकी तरफ से किया जाने वाला छोटा या बड़ा काम आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और सेकेंडली जैसे आपने कहा जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, क्योंकि हमारे जो अपने सिस्टम की बात कर ले तो वो फिलवक जैम है, यू नो कोई अच्छी खबर हमारे लिए तो है नहीं है, और शायद कब होगी हमें पता नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये कहूँगी जब उन्होंने 3 स्टेट के अंदर जो है इलेक्शन को भी जीता, वो भी एक बड़ी खबर रही, और डॉन अखबार से लेके जंग अखबार से लेके पाकिस्तान के हर अखबार ने उनको जो है ना छापा, तो उस दिन ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तानी अखबार ने इंडिया से आए हुए सारे अखबार है, हर अखबार की हेडलाइन बने हैं, तो वो पर्सनैलिटी ऐसी है भाई कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है, बस आपको रेडी रहना है। याद आया कि कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, गोया अखबार हो गया हूँ मैं, लेकिन इंडिया की तरफ देखी ये नहीं लिखता है, जब भी इंडिया की कोई न्यूज पढ़े तो उसमें हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें देख रहे होते हैं या उनकी कोई अचीवमेंट ही हम लोग जान रहे होते हैं। तो शायला आप क्या कहेंगी अगर हम यही पब्लिक रिव्यूज आपने लिए होंगे, हम लेने के लिए जाते हैं तो बताएं कि लोगों का रवैया जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रेटिंग मिलती है या उनकी तारीफ की जाती है, उनको बहुत ज्यादा सराहा जाता है उनकी कामयाबी को, तो पाकिस्तान
कभी लोग ये क्यों कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, ये कुछ नहीं है, क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. एक वक्त था, क्योंकि मैं दावत पे जा रही हूँ तो मैं चलती चलती बात करती हूँ आपसे, लाइव हूँ मैं इस टाइम. अच्छा एक वक्त था, अगर मैं 3-4 माह पहले की बात करूँ तो ऐसा था कि पाकिस्तानियों के सामने जब हम बात करते थे इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आवाम बहुत ज़्यादा भिड़ जाती थी हमारे से और बहुत ज़्यादा जो थे एग्रेसिव हो जाते थे कि यार आप जो है क्यों बात कर रहे हो, आप पाकिस्तान में हो तो आप जो है पाकिस्तान. दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इन पाकिस्तानी महिला पत्रकारों का जो रिएक्शन है और उनकी बातें आपको काफी पसंद आई होंगी. वेल, ये तो पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी की फैन बन चुकी हैं. मोदी जी ने अपने काम से ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि पूरे विश्व भर के लोगों को अपना फैन बनाया है. जहां पे किसी देश के प्राइम मिनिस्टर उनको बॉस बोलते हैं और कोई बोलते हैं वर्ल्ड लीडर, पुतिन जैसे जो बड़े दुनिया के नेता माने जाते हैं, जो स्ट्रांग लीडर माने जाते हैं, वो भी मोदी जी की तारीफ करते हुए नहीं थकते. तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री आज दुनिया के टॉप लीडर्स में सबसे पहला रैंक हासिल कर चुका है. तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें. तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिए. जय हिंद, जय भारत.